तो क्या हाल है आपका। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेस्टिज गैनोडर्मा के बारे में, इसके बेनिफिट्स, डोजेज और प्रिकॉशंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेस्टिज गैनोडर्मा डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है। आइए इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में सहायक माना गया है और रेजुनेट यानी हमारी बॉडी को ठीक करने में मददगार माना गया है, जिससे हमें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं लगती। वेस्टिज गैनोडर्मा स्ट्रेस को दूर करने में भी सक्षम माना गया है और डिप्रेशन से शिकार लोगों के लिए भी मददगार है, जिससे कि हम एक्टिवली काम करते हैं। ये एंटीवायरस की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि यह वायरसेस से हमारी बॉडी को बचाता है, जैसे कि कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस आदि। ये हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि हमारा ब्रेन तंदुरुस्त होकर काम करता है, जिससे कि हमें सिर से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कि हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और वेस्टिज गैनोडर्मा इसके हर एक पार्ट को ठीक करने में सहायक है। वेस्टिज गैनोडर्मा का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये है कि ये हमारी बॉडी में जाकर हमारी पूरी बॉडी की स्कैनिंग करता है और जहरीले पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी से। और अगर हमारी बॉडी का कोई भी एरिया खराब या इन्फेक्टेड होता है तो वेस्टिज गैनोडर्मा उसको ठीक करने में सहायक माना गया है। टॉक्सिन्स रिमूव होने के कारण हमारे फेस पे ग्लो भी आता है और हम यंग दिखने लगते हैं। वेस्टिज गैनोडर्मा एंटीऑक्सीडेंट्स का भी एक सोर्स माना गया है, जो कि हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी पूरी होती है। वेस्टिज गैनोडर्मा ओरल हेल्थ में भी अच्छा माना गया है, यानी ये हमारे दांतों को भी हेल्थी रखता है और उनका कैल्शियम मेंटेन करके रखता है। और हम दांतों से जुड़ी समस्याओं जैसे कि कैविटी, दांतों में कीड़ा लगना, मुंह में छाले होना आदि समस्याओं से भी बच सकते हैं। इसके अलावा वेस्टिज गैनोडर्मा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बैलेंस में रखता है और हमें कफ एंड कोल्ड जैसी तकलीफों से बचाता है। वेस्टिज गैनोडर्मा एक टाइप का फेमस मशरूम माना जाता है। वेस्टिज गैनोडर्मा की डोजेज ये है कि आपको इसको दिन में 3 बार लेना है, खाना खाने से आधे से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ। आप इसके एक टाइम पे 2 कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। वेस्टिज गैनोडर्मा का प्रिकॉशन ये है कि आपको इसको किडनी स्टोन में नहीं लेना। और अगर आपको वेस्टिज गैनोडर्मा से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल वेस्टिज हेल्थ एंड ब्यूटी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।